नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआर एसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अंतरजनपदीय स्थानांतरण की सत्यापन तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में आज सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ। अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर कब तक होंगे? अब सरकारी कर्मचारियों को नया पेंशन प्रस्ताव ये मिलेगा। देखिए महत्वपूर्ण अपडेट्स, बेस शिक्षा सचिव महोदय का आदेश। सरकारी कर्मियों के लिए नया पेंशन प्रस्ताव आएगा। नई दिल्ली एजेंसी सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बदलाव कर सकती है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को 40 से 45 फीसदी तक न्यूनतम निश्चित पेंशन देने के नए प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले जो अंतिम वेतन मिलेगा उसके आधार पर न्यूनतम निश्चित पेंशन तय होगी। गौरतलब है कि अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने पेंशन सिस्टम की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। नई पेंशन स्कीम को साल 2004 में लागू किया गया था। उससे पहले तक सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के वेतन के हिसाब से पेंशन बनती थी, लेकिन फिर इसे बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। दिया था आश्वासन। इससे पहले 24 मार्च को संसद में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करने की बात कही थी। इसके लिए 6 अप्रैल को समिति बनाई गई। अधिकारियों ने कहा कि एनपीएस के नियमों में बदलाव पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना की तरफ नहीं लौटेगी। लखनऊ के शिक्षकों को अभी अंतरजनपदीय म्यूचुअल तबादलों के लिए पोर्टल खोले जाने का इंतजार है। अंतरजनपदीय तबादलों के लिए साथ ही म्यूचुअल तबादलों का आदेश भी जारी हुआ था। तबादले के आवेदन लिए गए और उनका सत्यापन भी चल रहा है, लेकिन म्यूचुअल तबादलों के लिए पोर्टल नहीं खोला गया। शिक्षकों का कहना है कि दोनों का साथ ही होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री निर्भय सिंह जी कहते हैं कि म्यूचुअल तबादलों में शिक्षक पहले से ऐसा विकल्प खोज कर रखते हैं जहाँ से कोई दूसरा शिक्षक तबादला चाहता हो, पहले सामान तबादले हो जाएंगे तो फिर सब उसमें शामिल होंगे। ऐसे में म्यूचुअल के लिए विकल्प मिलना मुश्किल होगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री प्रताप सिंह वाघेल जी कहते हैं कि पोर्टल तैयार कर लिया गया है, एक दो दिन में म्यूचुअल के लिए खोल दिया जाएगा। सत्यापन की तारीख आज तक बढ़ी। बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादला आवेदनों के सत्यापन की तारीख तीसरी बार बढ़ा दी गई है। जिला स्तर पर अब गुरुवार दोपहर 2 बजे तक सत्यापन किए जा सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री प्रताप सिंह वाघेल जी ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में अभी सत्यापन का काम अभी अधूरा है, बीएसए के आग्रह पर तारीख बढ़ाई गई है। साथियों, एक नया भी आदेश जारी हो गया है। दोपहर 2 बजे के बाद भी सत्यापन की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में सचिव महोदय का आदेश का एक बार अवलोकन कर ले। 22 जून 2023 का ये आदेश है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 में शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र के सत्यापन की कार्यवाही के संबंध में महोदय कृपया शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक दिनांक 21/6/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए जा रहे अनुरोध के क्रम में सत्यापन की कार्यवाही है। दिनांक 22 जून 2023 के अपराह्न 2 बजे तक समयावृत्त की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण समय सीमा में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अनुरोध के क्रम में सत्यापन की कार्यवाही हेतु दिनांक 22 जून 2023 के मध्यरात्रि तक समयावृत्त की जाती है। कृपया उक्त से अवगत होते हुए परिषद द्वारा दिए गए निर्देशानुसार शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किए गए आवेदन भारांक हेतु चुने गए वरीयता विकल्प हेतु प्रस्तुत साक्ष्य अभिलेख का गहनतापूर्ण परीक्षण करते हुए निर्धारित समय अवधि में सत्यापन के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। बहुत ही श्री प्रताप सिंह वाघेल सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज।